नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता, और आज हम बनाएंगे इसे ढाबा स्टाइल में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए हम एक बैंगन ले लेंगे। यहाँ हमने एक बैंगन लिया है गोल, और टमाटर ले लेंगे मीडियम छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और प्याज ले लेंगे छोटे टुकड़ों में कटी हुई, अदरक हरी मिर्च लहसुन और हरी धनिया, इन सबको हम छोटे टुकड़ों में काट के रख लेंगे। और यहाँ मसाले लिए हैं लाल मिर्च नमक जीरा और हींग। बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैंगन को गैस पर भूनना होगा। इसे हमें गैस पर धीमी आंच पर इसे घुमा घुमा कर सेक लेना है चारों ओर से। इसे हमें चारों ओर से सेकना है, और यह हमें धीमी आंच पे करना है, नहीं तो हमारा बैगन ऊपर से काला हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो खाने में टेस्ट इसका खराब कर देगा। देखिए हमारा बैगन भुन गया है। अब हमें इस बैगन से इसका छिलका अलग कर देना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से इसका छिलका निकाल दीजिए, ये पूरे बैगन से छिलका इस तरह से निकल आएगा। देखिए बैगन छिल गया है। अब हम एक चम्मच लेंगे या चाकू लेंगे, उससे हम बैगन का ये जो डंठल है उसको पहले हम अलग करेंगे। इसे हम फेंकेंगे नहीं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे भी हम उसी बैगन में भरते में डाल देंगे। अब हमें थोड़ा सा बैगन को खोल लेना है और उसे हल्का सा मैश कर लेना है चम्मच से ही। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा चटकेगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन, अदरक, और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें हम प्याज भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम हींग भी डाल देंगे और प्याज को चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, हमारा सभी मसाले भुन गए हैं। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। और इसमें हम अब बैंगन डाल देंगे जो हमने भून कर रखा था, और इसे भी हम टमाटर प्याज सभी के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा चम्मच से चलाते हुए उसको मैश करते हुए उसमें मिक्स कर देंगे और नमक डाल देंगे। इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जैसे नमक चारों ओर मिक्स हो जाए, और उसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए हमारा बैंगन भरता बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए बहुत टेस्टी बना है। इसे हम थोड़ी हरी धनिया डाल देंगे।
ये हमने मिर्च डाली है थोड़ी, इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली थी। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च मत डालिए। हरी धनिया डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता हमारा तैयार हो गया है। देखिए ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसे आप बनाइए और खाइए।